रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शेयर दोनों हो गया? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? हाँ मैम, अच्छा, देखो हम लोग पढ़ रहे थे जॉइंट वेंचर, और उसमें हम लोगों ने कितना सारा मेथड किया था। देखो फोर मेथड्स होता है यहाँ पर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसको पॉइंट आउट भी किया था, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ मेथड्स, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था। और बुक्स ऑफ ऑल जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओनली वन कोवेंचरर और ऑल कोवेंचरर, तो ऑल कोवेंचरर वाला हम लोगों ने किया। आज मेमोरेंडम वाला करेंगे, फिर इसका देखते हैं है कि नहीं। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इसके बाद वाला टॉपिक यही वाला, व्हेन वेंचरर मेंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शन। ये देखो ओन ट्रांजैक्शन यानी यही वाला जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर वाला। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये मेथड कैसे एक्ट करेगा उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में, व्हेन ऑल द पार्टीज कीप अकाउंट्स द मेथड एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ठीक है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड किसको बोलेंगे, जब ऑल पार्टीज जितने सारे भी कोवेंचर रहेंगे वो अपना अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करेंगे खुद। द मेथड एडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू जॉइंट वेंचर इज कॉल्ड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। अब इसमें कैसे होगा, इसमें दो अकाउंट बनेगा, एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा जिसमें ये देखो ईच कोवेंचर स्पेंड ए पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ, नहीं यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ, अच्छा चलो स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। हियर इच को वेंचरर, हर एक को वेंचरर रिकॉर्ड करेगा ओनली दोज जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन व्हिच आर अफेक्टेड बाय हिम। तो एक अकाउंट बनेगा जहां पर हर एक को वेंचरर अपना खुद का एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करेगा, और उसका उस अकाउंट का नाम क्या होगा, वो एक पर्सनल अकाउंट होगा। जब हम लोग अपना खुद का खर्चा इनकम एक्सपेंसेस ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट, और इसको बोला जाएगा जॉइंट वेंचर विथ डॉट डॉट नेम ऑफ द को वेंचरर। तो जैसे अगर ज्वाइंट वेंचर बन रहा है, ए और बी दोनों ज्वाइंट को वेंचरर हैं, तो ए जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा तो वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ बी, ज्वाइंट वेंचर विथ बी, और जब बी अपना अकाउंट्स बनाएगा तो वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विथ ए। इट इज डेबिटेड विद अमाउंट ऑफ परचेज सप्लाइज एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द वेंचरर। मतलब वही नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस अगर कुछ होगा तो वो लिखना पड़ेगा, अगर कोई इनकम होगा वो लिखना पड़ेगा। ईच कोवेंचरर अपना इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा ईच कोवेंचरर सेंड्स ए पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन अफेक्टेड बाई हिम ओनली टू द अदर कोवेंचरर। जैसे ए अपना अकाउंट बनाने के बाद बी को वो भेजेगा, और बी अपना अकाउंट बनाने के बाद ए को उसका डिटेल्स भेजेगा, वही बता रहा है। एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ द एफोरसेड स्टेटमेंट, जैसे ही ए को बी का स्टेटमेंट मिलेगा और बी को ए का स्टेटमेंट मिलेगा, ईच को वेंचरर मतलब ए और बी दोनों ही प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इन ऑर्डर टू एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन। तो ये बिजनेस करके प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो पता करने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन होगा, और वो जॉइंट वेंचर अकाउंट को बोला जाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो बेसिकली मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दो अकाउंट मेंटेन होगा, एक एक हो जाएगा ये देखो, एक होगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा होगा ज्वाइंट वेंचर विथ एन। जैसे ये देखो यहाँ पर दो पार्टी है, इसी क्वेश्चन को भी करेंगे, यहाँ पर दो पार्टी है एम और एन, दो को वेंचरर है, तो एक बनेगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक बनेगा ज्वाइंट वेंचर विथ एन और ज्वाइंट वेंचर विथ एम, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ हम लोग समझ लेंगे कि कैसे करके हम लोग को करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, फिर 22 भी करेंगे, उसमें डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो गुड इलस्ट्रेशन, मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग रौनक, इलस्ट्रेशन 23। इलस्ट्रेशन 23, एम एंड इन डिसाइडेड टू वर्क इन पार्टनरशिप विद द फॉलोइंग स्कीम एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट एज अंडर। तो ये लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4 1/4 यानी 3:4। दे गारंटेड द सब्सक्रिप्शन एट पार
ऑफ 10 लाख शेयर्स। तो ये काम क्या करना चाहते हैं, 10 लाख शेयर्स जो है उनको सब्सक्राइब करवाना है पब्लिक में, मतलब अंडर राइटर है ये, ऑफ 1 ईच इन यू लिमिटेड। कौन से कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करवाना है मार्केट में, कंपनी का नाम है यू लिमिटेड। यू लिमिटेड कंपनी ने 10 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू किए हैं, और एक एक शेयर का प्राइस जो है वो 1 रुपीज करके है, और ये इन लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करवाना है पब्लिक में, उसका गारंटी इन लोगों ने लिया है। एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड। और जब तक शेयर अलॉट नहीं होता तब तक अगर कोई भी खर्चा होगा तो ये लोग अपने से दे देंगे, ये एग्रीमेंट हुआ है यू से, मतलब यू लिमिटेड कंपनी से। इशूइंग टू देम, ये देखो, इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड इशूइंग टू देम 50,000 अदर शेयर्स ऑफ ₹1 ईच फुल्ली पेड टूगेदर विद द कमीशन एट द रेट ऑफ 5% इन कैश विच विल बी टेकन बाई एम एंड इन 3:2। तो यहाँ पर बोल रहा है एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड। इसके बदले यू लिमिटेड क्या कंसिडरेशन दे रहा है, इशू कर रहा है उन लोगों को पर्सनली 50,000 शेयर्स, 1 रुपए वाला, फुल्ली पेड टूगेदर विद कमीशन। ऑफ कमीशन भी देगा, 50,000 शेयर्स भी देगा, ठीक है। और ये कैसे ये लोग लेगा, इसका जो रेशियो है वो लेगा एम और एन अपने अंदर 3:2 में, चाहे वो कमीशन का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना हो चाहे वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो 3:2 में ये लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि एम और एन ने क्या क्या खर्चा किया, क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना जब तक अलॉटमेंट नहीं हो रहा है बिहाफ ऑफ कंपनी यही लोग खर्चा करेंगे। ये देखो, एम लिमिटेड ने खर्चा किया है स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग चार्जेस, और एन ने खर्चा किया है रेंट, सॉलिसिटर चार्जेस। तो एम का ये 3 खर्चा है और एन का ये 2 खर्चा है। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10 लाख शेयर्स बाई 30,000 एंड इन इंट्रोड्यूसेस 30,000 रुपीज फॉर द परचेज ऑफ दोज शेयर्स। मतलब एप्लीकेशन जो मार्केट में दिया गया था, मतलब पब्लिक के पास तो एप्लीकेशन जाता है, पब्लिक उसे खरीदता है, फिर शेयर उनको इशू किया जाता है और अलॉट किया जाता है। तो बोल रहा है कि 10 लाख शेयर्स में 30,000 शेयर्स जो है वो फेल शॉर्ट, मतलब 30,000 वो सब्सक्राइब नहीं करवा पाए। और लास्ट दिन में हम लोगों ने एक अंडरराइटर का ऊपर एक, मतलब अंडरराइटर रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने बताया भी था कि अगर अंडरराइटर लोग खुद से शेयर पूरा नहीं मार्केट में सब्सक्राइब करवा देते हैं तो फिर क्योंकि वो गारंटी लेते हैं कि सारा शेयर वो सब्सक्राइब करवा देंगे, अगर नहीं करवाते हैं पब्लिक में, अगर मतलब नहीं हो पाता है तो ये खुद इन लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो देखो 30,000 शेयर्स अभी भी बचा हुआ है जो कि ये लोग नहीं सब्सक्राइब करवा पा रहे, तो इन लोगों को ये खरीदना पड़ेगा। तो कौन खरीद रहा है, एम और एन में एन खरीद रहा है। कितने रुपए देके, 30,000। क्यों 30,000 रुपए, क्योंकि 1 रुपया करके था शेयर, तो 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 करके कितना हो जाएगा, ₹30,000 ये पे करना है कंपनी को वो शेयर्स को खरीदने के लिए जो कि इन लोगों ने गारंटी लिया था और नहीं सब्सक्राइब करवा पाए। द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, यहाँ पर बोल रहा है द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड यू लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचरर्स 50,000 शेयर्स एंड ऑल्सो पेड द कमीशन। अब जैसे ही इन लोगों ने जो भी अपना काम लिया था वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खत्म कर दिया कि सारा शेयर्स को सब्सक्राइब करवा दिया, अब कुछ पब्लिक में करवा दिया कितना 70,000, और जो 30,000 नहीं करवा पाए खुद खरीद लिया, तो जो एक डील हुआ था वो फुल्ली कंप्लीट हो गया। तो अब यू लिमिटेड को भी तो कुछ अपना डील कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यू लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, यू लिमिटेड ने बोला था कि अगर ये लोग ये परफॉर्मेंस कर देता है तो इन लोगों को क्या दिया जाएगा, कमीशन, और उसके साथ 50,000 शेयर्स 1 रुपीज वाला। तो ये देखो यू लिमिटेड क्या दिया है इन लोगों को, 50,000 शेयर्स एंड ऑल्सो पेड द कमीशन इन कैश, ऑल देयर होल्डिंग्स वेर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाई द वेंचरर एन। मतलब एन के पास जितने भी शेयर होल्डिंग थे कितने थे, 30,000 थे, ये 30,000 खरीदा था, और ये 50,000 से भी कुछ होल्डिंग इनके पास आया होगा, क्योंकि 50,000 का होल्डिंग भी तो एम और एन दोनों ने लिया होगा, लेकिन ये 30,000 जो नहीं सेल करवा पाए उसका होल्डिंग सिर्फ एन के पास है क्योंकि वो एन खरीद रहा है। अब बोल रहा है कि एन ने क्या किया है, जितना भी होल्डिंग था वो बेच दिया, कितने में एन ने बेचा है,
18,000 में और एम के जितने होल्डिंग थे वो 50,000 में बेच दिया. राइट अप द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज ऑन द प्रिजम्पशन दैट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन फॉर दिस पर्पस. तो हम लोग को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या करना है, ओपन करना है. तो इसका मतलब हमें मेमोरेंडम मेथड को फॉलो करने के लिए बोला गया है. तो उसमें हमारा दो अकाउंट ओपन होगा, एक तो होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और होगा इन द बुक्स. क्योंकि देखो रूल्स क्या है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दो अकाउंट ओपन होगा. पहले हम लोगों ने यहाँ देखा, ये देखो एक तो बनेगा, ये देखो यहाँ पर बनेगा जॉइंट वेंचर विद नेम ऑफ द अदर को वेंचर अकाउंट. मतलब दो यहाँ पर पार्टी है एम और एन, तो एम के बुक्स में एन का अकाउंट, एन के बुक्स में एम का अकाउंट, ये तो नॉर्मली होता ही है. तो यहाँ पर पहले दो पार्टी का नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एम. एम अपने बुक्स में किसका हिसाब रखेगा, एन का. तो लिखेंगे जॉइंट वेंचर विथ एन, मतलब एन के साथ जॉइंट वेंचर करके क्या क्या एक्सपेंसेस इनकम वगैरह हो रहा है वैसा. जैसे हम लोग कंसाइनमेंट में लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, विथ विथ कंसाइनी जो नाम लिखा हुआ रहता है उसी तरह से. और यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एन. अब एन बोलेगा जॉइंट वेंचर विथ किसके साथ, उसने जॉइंट वेंचर किया है एम के साथ, जॉइंट वेंचर विथ एम. अच्छा, और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनेगा, गुड मॉर्निंग इंकी, गुड मॉर्निंग मैम. और जॉइंट वेंचर अकाउंट, सॉरी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्यों बनेगा, ये असर्टेन करने के लिए कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. सिंपल, वो हमारा एक्सपेंसेस और इनकम के तरह रिकॉर्ड होते जाएगा. तो जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्यों बनेगा, हम लोग पीएल कैलकुलेट करेंगे. तो पीएल कैलकुलेट करने के लिए इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर रिकॉर्ड करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होगा. पहले देखो यहाँ पर लाइन बाय लाइन रिकॉर्डिंग करेंगे. एम और एन ने डिसाइड किया है कि वो लोग पार्टनरशिप में पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है. पार्टनरशिप बोला जा रहा है लेकिन है जॉइंट वेंचर, ठीक है. एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ये बता दिया इस तरह से. दे गारंटेड, अब इन लोगों ने काम क्या लिया है, यू लिमिटेड कंपनी का 10 लाख शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिया है. और शेयर मार्केट में 1 रुपए करके इशू होंगे, उसके बदले यू लिमिटेड इनको 50,000 शेयर्स देंगे 1 रुपए वाले, और कमीशन देंगे जितना भी शेयर बिकेगा उस पे. और वैसे भी फुल्ली सेल करवाना है, अगर नहीं करवा पाते हैं सब्सक्राइब तो फिर खुद को खरीदना पड़ेगा एम और एन को. अब देखो एम और एन ने खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, स्टैम्प एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग, क्योंकि यहाँ पर बताया भी था अलॉटमेंट होने के पहले तक जितने भी खर्चे होंगे वो एम और एन करेंगे, ठीक है. तो जॉइंट वेंचर में खर्चा हुआ है, गुड मॉर्निंग साक्षी. अच्छा देखो, तो जॉइंट वेंचर किन लोगों का है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. जॉइंट वेंचर किन लोगों का है, एम और एन का, ठीक है. अच्छा, अब जॉइंट वेंचर पे जब भी कोई खर्चा या इन अर्निंग होगा वो हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग इनकम या एक्सपेंस फाइंड आउट कर पाएंगे. तो देखो पहले एम ने खर्चा किया है, कितना, ये 4,000, 3,000, 3,000. तो एक्सपेंस होगा तो किधर रिकॉर्ड होगा, बोलो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड. अगर एक्सपेंस क्रेडिट साइड,
डेबिट साइड, तो जो खर्चा करेगा ना उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2M एक्चुअली क्या होता है ना, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर दोनों ही को वेंचरर बनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है। दोनों एक ही जैसा बनेगा ना, ये देखो दोनों ही बनाते हैं। ईच को वेंचरर सेंड्स अ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन अफेक्टेड बाय हिम ओनली टू द अदर को वेंचरर। जैसे एम अपना जो अकाउंट बनाएगा, इन द बुक्स ऑफ एम जो अकाउंट बनेगा वो उसमें जो भी डेटा रहेगा वो एन को भेज देगा, एन अपने बुक्स में जो अकाउंट बनाएगा वो एम को भेज देगा, ठीक है। तो इस तरह से, और उसके बाद ईच को वेंचरर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, मतलब ये जो है ये एम भी अपने बुक्स में बनाएगा और ये एन भी अपने बुक्स में बनाएगा, लेकिन हम लोग एक ही अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि एक ही तरह से दोनों ही बनाएंगे। तो अगर ये एम बना रहा है तो भी वो 2M लिखेगा, अगर एन बना रहा है तो भी वो 2M लिखेगा, ठीक है। तो एम क्या लिखेगा, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन में, देखो एम ने अपना खर्चा जो है वो रिकॉर्ड करेगा, तो एम लिखेगा स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस एटसेट्रा, अच्छा 4000 स्टैम्प चार्जेस। के बाद एडवर्टाइजिंग, इसके नीचे ही लिखते थे एडवर्टाइजिंग चार्जेस 3000, एडवर्टाइजिंग चार्जेस 3000, प्रिंटिंग 3000, प्रिंटिंग चार्जेस 3000। बिजनेस में खर्चा है, बस रिकॉर्ड करना है खर्चा। जैसे अगर एक्चुअली क्या है, ये तो एक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे ये टाइम ओवर हो जाएगा, ये जो जॉइंट वेंचर है ये खत्म हो जाएगा, तभी तो ये जॉइंट वेंचर है। जैसे बिजनेस में एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टू स्टैम्प चार्जेस टू एडवर्टाइजिंग, उसकी जगह पर्टिकुलर जिस को वेंचरर ने किया है उनका नाम यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 2M मतलब ये एम को खर्चा रिइंबर्स करना पड़ेगा, मतलब जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, अभी ये लोग पैसा लगा रहे हैं अपने अपने पास से जो जैसा सक रहा है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जो इन लोगों ने प्रॉमिस किया, यू लिमिटेड का जो काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि शेयर बिकवा देगा, अब शेयर बिकवाने का जो भी खर्चा इन लोगों ने बोला है कि हम लोग करेंगे अप टू अलॉटमेंट तक, ये इन लोग का डील हुआ है यू लिमिटेड के साथ। तो अब बिजनेस इन दोनों का है, एम और एन का, तो एम और एन अपना इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी तो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, कि ये सब कर रहे हैं। अब जब प्रॉफिट होगा तो ये सब प्रॉफिट का हिस्सा इन लोगों को मिलेगा, तो खर्चा भी तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एम बोलेगा मैंने ये सब खर्चा किया है, ठीक है। अब एन भी अपना खर्चा बताएगा, तो एन ने क्या क्या खर्चा किया है, देखो एन ने रेंट दिया है, सॉलिसिटर चार्जेस दिया है, तो एन बोलेगा बिजनेस में जो रेंट के लिए खर्चा हुआ है वो मैंने दिया है, जो सॉलिसिटर चार्जेस है वो भी मैंने दिया है। तो ये देखो ये सब खर्चा हो गया। अच्छा उसके बाद और क्या किसी ने कुछ खर्चा किया, देखो हाँ ये नीचे देखो, जब इन लोग 70,000 शेयर्स पब्लिक को इन लोगों ने बिकवा दिया, लेकिन 30,000 ऐसे शेयर्स है जो कि ये लोग पब्लिक में नहीं बिकवा पाए। इन ने क्या किया, वो 30,000 शेयर्स खरीद लिया, कितने में, रुपीज 30,000, मतलब वही मार्केट वैल्यू में, मार्केट में भी एक रुपया करके सेल हो रहा है, यहाँ पर भी एक रुपया करके एन ने खरीद लिया। तो एन बोलेगा कि मैंने बिजनेस के लिए 30,000 लगाया है, तो यहाँ पर 30,000 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स, एन बोलेगा कि मैंने ये सब खर्चा किया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, पर्टिकुलर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने हिसाब से बिजनेस को रन करवाने के लिए, जॉइंट वेंचर को आगे बढ़ाने के लिए ये सब खर्चा इन्होंने किया है। I'm sorry, solicitor charges 3000 है। ओह अच्छा मैंने गलत लिख दिया, अच्छा सॉलिसिटर चार्जेस 3000 था, हाँ। अच्छा अब देखो, अब जैसे ही इन लोगों ने तो अपना गारंटी जो है वो कर ही लिया कि 10 लाख बिकवा दिया, अब चाहे खुद खरीदना पड़े वो अलग बात है। अब क्या हुआ, जॉइंट यहाँ पर बोल रहा है यू लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचरर 50,000 शेयर्स। जैसे यू लिमिटेड ने कहा था कि कमीशन भी देंगे शेयर भी देंगे, तो इन्होंने 50,000 शेयर्स दे दिया और कमीशन भी दे दिया कैश में, जो इन लोगों ने क्या किया उसके बाद होल्डिंग अपना अपना बेच दिया 18 और 50 में। तो हम लोग देखेंगे कि शेयर्स जो मिला है और कमीशन जो मिला है वो कितना है। कमीशन कैसे पे किया जाएगा, 5% इन कैश, ठीक है, 5% इन कैश में पे किया जाएगा। तो कमीशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इन लोगों ने सेल जो किया है वो कितना कितना किया है, 18 और 50, ये देखो। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एम, तो एम को रिसीव क्या क्या हुआ है, एम अपना वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। तो एम बोलेगा मुझे कमीशन मिला है और मैंने शेयर अपने
अपना जो होल्डिंग था शेयर वो बेच दिया, ठीक है, शेयर सेल ऑफ शेयर्स, ये बिजनेस में अर्निंग आएगा इस तरह से। और एन भी बोलेगा मुझे भी कमीशन मिला, ये अर्निंग है, और मैंने भी अपना होल्डिंग बेच दिया। तो होल्डिंग इन्होंने कितने में बेचा है वो हमें डायरेक्टली दे रखा है, 18 और 50, एम ने 50,000 और एन ने 18,000। हम लोग को कमीशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कमीशन कितना दिया जाएगा, 5%। और कमीशन का जो पैसा है वो 3:2 में ये लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3:2 मतलब 3/5 और कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है, 3/5 और 2/5। तो कमीशन कितना होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कमीशन 5% दिया जाएगा, 5% किस पे दिया जाएगा, जितना शेयर इन लोगों ने बिकवा दिया। तो कितना होगा 5% इनटू कितना शेयर बिकवा दिया है, 10 लाख। तो 10 लाख का 5% कितना होगा, 10 लाख रुपीज, 1 रुपया करके, तो 10 लाख रुपीज का ही तो शेयर बेच दिया ना, 50,000। तो ये देखो 50,000, ये क्यों मैंने इसी पे लगाया, क्योंकि अंडरराइटिंग का रूल्स यही होता है कि अगर कुछ नहीं बताए, नॉर्मली शेयर जितना बिकता है फेस वैल्यू के ऊपर ही कमीशन दिया जाता है, इसीलिए देखो कुछ बोला भी नहीं है, तो इतना ही कमीशन होगा। 10 लाख रुपीज भी हो रहा है क्योंकि 10 लाख शेयर 1 रुपया करके इन्होंने सब्सक्राइब करवाया, तो 10 लाख हो गया। इसमें इंक्लूडिंग इनका खुद का सब्सक्रिप्शन भी है जो ये लोग मार्केट में नहीं बिकवा पाए। एक्चुअली पब्लिक को तो 70,000 किया, 30,000 तो ज्वाइंट वेंचरर मतलब को वेंचरर लोग ने खरीदा, ठीक है, लेकिन टोटल कितना सब्सक्राइब हुआ है वो तो 10 लाख ही हुआ है जो इन लोग को करवाना था। तो 10 लाख इंटू 5%, तो 50,000। अब 50,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है जो रेशियो दिया हुआ है, 50,000 का 3/5, एम का 30,000, एन का 20,000। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बन गया। जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस करके, तो वही अभी तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये देखो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रिकॉर्ड किया, यहाँ पर ये क्या रिकॉर्ड हुआ, कितना अर्निंग हुआ बिजनेस में, और बिजनेस में इन लोगों ने कितना पैसा लगाया था। तो अगर अर्निंग ज्यादा है और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम है तो प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं है तो लॉस होगा, और जो भी होगा ये लोग अपने अंदर जो एग्रीड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखते ही अर्निंग ही ज्यादा दिख रहा है, 50, 30, 80, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18,000। अच्छा 1,18,000, 1,18,000, और ये माइनस हो जाएगा, 4, 3, 7 और 3, 10, 10,000, और इधर 23,000 आ रहा है, 73,000। अच्छा 73, अच्छा तो 73,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन वेंचर, ये वेंचर में एंटर करके इन लोग का कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट जो भी है वो है 73,000। अब इसका फिर से एम और एन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करके दिखाएंगे, तो एम का कितना होगा और एन का कितना होगा प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो है 3/4 और 1/4, तो ये 3/4 हिसाब से हो जाएगा, ये 1/4, तो 73,000 डिवाइडेड बाई 4 × 3, 54,750, और माइनस 73,000 कर देंगे तो 18,250, तो ये हो गया 73,000। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बन गया जिसका मेन पर्पस ही है कि हम लोग प्रॉफिट या लॉस जितना हुआ है वो फाइंड आउट करना, तो ये बन गया। और ये दोनों ही को वेंचरर बनाते हैं, एम भी बनाता है एन भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही बार बनाएंगे, क्योंकि अगर ये मानेंगे कि इन द बुक्स ऑफ एम है, इन द बुक्स ऑफ एन भी तो सेम ही बनेगा ना, तो एक बार लिखने से ही होगा। अब हम लोग एम के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो एम क्या रिकॉर्ड करेगा, एम ये रिकॉर्ड करेगा, एम अपना ये जो रिकॉर्डिंग है वो एन को भेजेगा, ठीक है। तो एम एन को बोलेगा कि मेरा क्या क्या खर्चा हुआ है देख लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी दिखा सकते हैं, ये देखो एम का खर्चा ये 3 है, एम का अर्निंग यहाँ पर है, और यहाँ पर इसको कमीशन और सेल प्रोसीड्स मिला है, यही वाला डेटा वो एन को फॉरवर्ड करेगा, और एन क्या करेगा वही डेटा को लेके फिर ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाता है, ठीक है। तो पहले मैंने ये बना लिया ताकि आसान हो जाए करना, ठीक है। अब एम
क्या बोलेगा इन द बुक्स ऑफ एम, एम बोलेगा देखो मैंने बिजनेस में पैसा दिया है किस चीज का, ये देखो यहाँ से देख के बोल सकते हैं, स्टैम्प चार्जेस का खर्चा मैंने दिया, एडवर्टाइजिंग का मैंने दिया, प्रिंटिंग चार्जेस का मैंने दिया, तो इसका मतलब मेरा खर्चा तीन जगह पे हो रखा है, तो फिर एक्सपेंसेस है और इन्होंने पैसा दे दिया है, तो टू बैंक पेमेंट क्या है, स्टैम्प 4,000, एडवर्टाइजिंग 3,000, स्टैम्प 4,000, एडवर्टाइजिंग 3,000 और क्या था, प्रिंटिंग 3,000। तो ये एक्सपेंसेस किया है इन्होंने। अच्छा उसके बाद इनको पैसा भी मिला है, वो भी इनको ए को इनको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो कमीशन और सेल करके, सेल ऑफ शेयर्स, कमीशन मिला है 30 और सेल ऑफ शेयर्स 50, और इनको बिजनेस में प्रॉफिट भी अर्न हुआ है, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों इधर लिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आया था 54,750। तो अब ये अकाउंट जब क्लोज होगा, ये कैसे क्लोज होगा, एम ने एक्चुअली यहाँ पर क्या क्या बताया, एम ने बताया कि मुझे जॉइंट वेंचर से कितना अर्निंग हुआ 80,000, लेकिन ये पूरा मेरा प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने पॉकेट से ये सब खर्चा भी लगाया ना, तो मुझे ये सब तो माइनस करके देखना पड़ेगा, तो 80,000 मैंने अर्न किया है, लेकिन उसमें से 4,000 तो पहले ही मैंने लगा रखा था, 3,000 भी मैंने एक्सपेंस किया था, 15,250 आ रहा है। अच्छा 15,250 बैलेंस आ रहा है, 15,250। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये देखो 80,000 इनका अर्निंग है, लेकिन 10,000 तो इनने ऑलरेडी एक्सपेंस कर रखा था, इसका मतलब 70,000 इनका बिजनेस करके प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अभी तक इनको कितना मिला है, 54,750, ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, टू टू साइड में है तो टू आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बैंक रेमिटेंस, ठीक है, तो एन से ये रेमिटेंस मिलेगा। अच्छा अब एन क्या बोलेगा, एन बोलेगा कि मैंने जो भी खर्चा किया वो भी हम भी बता देते हैं, ये एम को भेजा जाएगा एन के तरफ से, तो यहाँ पर लिखेगा कॉस्ट ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीदा है 30,000 का, ये तो बिजनेस के लिए खरीदा है ना, क्योंकि पर्सनली थोड़ी ना खरीदा है, खुद नहीं बिकवा पा रहा था दोनों मिलके, तो फिर एन बोला मेरे पास अभी पैसा है हम खरीद लेते हैं, बाद में बिजनेस के प्रॉफिट से उसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा सॉलिसिटर चार्जेस और रेंट, रेंट सॉलिसिटर चार्जेस, तो सॉलिसिटर चार्जेस है 3,000 और रेंट है, सॉलिसिटर चार्जेस क्या होता है, मतलब कंसल्टेंसी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी ये सब लीगल कंसल्टेंसी करते हैं ना, रुको, जैसे सॉलिसिटर चार्जेस मतलब बिजनेस का जो लीगल खर्चा होता है, हाँ लीगल खर्चा होता है, उसके बारे में जो भी मतलब हमें बता देते कि ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा, जैसे अभी शेयर बिकवाना है ना, तो उसका पूरा लीगल प्रोसीड्योर, जैसे घर बनवाने से हम लोग इंजीनियर को बुलाते हैं कि बता दीजिए कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो उनको फिर वो कंसल्टेंसी करने का एक चार्जेस देना पड़ता है ना, वैसे ही सॉलिसिटर चार्जेस का मतलब होता है कि बिजनेस में जो भी लीगल एक्सपेंसेस होगा वो अगर हम लोगों को कोई बता दे रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, तो उनको तो एक पेमेंट हमें करना पड़ेगा ना, उसको बोला जाता है सॉलिसिटर चार्जेस। ओके मैम। अच्छा ये वही चीज है, लॉयर का फीस बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग, लॉयर का फीस,
अच्छा अब ये देखो रेंट दे दिया, सॉलिसिटर चार्जेस ये भी हो गया। अच्छा अब इसके बाद इन्होंने भी अर्न किया है बिजनेस करके, एक तो कमीशन मिला है इनको और इन्होंने भी अपना जो शेयर होल्डिंग था वो बेच दिया, सेल ऑफ शेयर्स जो एज ए कमीशन मिला था, कमीशन के साथ साथ मिला था। तो यहाँ पर 20,000 कमीशन और सेल ऑफ शेयर्स 18,000, 20 और 18। अच्छा और प्रॉफिट अर्न इनको भी हुआ है, प्रॉफिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना मिला है 18,250, 18,250। अच्छा तो इधर ही ज्यादा होगा क्योंकि इधर 30 भी है 18 भी है, इधर तो कम होगा। इसका मतलब एन ने खर्चा क्या है, हाँ क्रेडिट 15,250 आ रहा है, 15,250 टोटल है 53,250। तो ये बाई हो जाएगा, बाई साइड है बाई बैंक रेमिटेंस 53,250। तो इस तरह से मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में ऐसे अकाउंट बनेगा, पहले एक को वेंचरर, इच को वेंचरर अपना अपना जो भी डेटा लिखना है कि इन्होंने कितना खर्चा किया है बिजनेस में, कितना अर्निंग किया है बिजनेस से और कितना प्रॉफिट लिया है, उसका हिसाब और कैलकुलेशंस करके दूसरे को वेंचरर को भेजेगा और उस हिसाब से ये मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर ये लोग बनाएगा। एम भी ऐसा एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनाएगा और एन भी बनाएगा। अच्छा अब ये वा 23, इसके आगे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ये देखो, John and Smith entered into a joint venture business to buy and sell garments to share profit and losses in the ratio of 5:3. John supplied 400 bales of shirting at 500 each and also paid 18,000 as carriage and insurance. Smith supplied 500 bales of suiting at 480 each and paid 22,000 as एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज। जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ। तो ये लोग कोई गारमेंट्स वाला जॉइंट वेंचर में एंटर किए हैं, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है 5:3 है। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबने अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ सप्लाई किया, कुछ ना कुछ खर्चा किया, उसी का डिटेल्स यहाँ पर था। उसके बाद किसने कितना बेच दिया है प्रोडक्ट वो दिखा रहा है। जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ सूटिंग एट 600 ईच फॉर कैश एंड ऑल्सो ऑल 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 650 ईच ऑफ कैश। जॉन इज एंटाइटल्स फॉर कमीशन ऑफ 2.5% ऑन टोटल sales plus an allowance of 2000 for looking after business. The joint venture was closed and the claim were settled. So business close ho chuka hai aur jo bhi in logo ko settlement karna hai wo bhi ho chuka hai. Hame kya account prepare karne ke liye bola, kuch method nahi bola hai. Dekho bola hai joint venture account, Smith account in the books of John and John account in the books of Smith. Ye bola hai, theek hai. अच्छा इसके आगे भी एक था ना 20, ये एग्जाम्पल वाला हम लोगों ने यहाँ था, ठीक है इसके बात कर लेंगे कोई बात। तो 22 में देखो हम लोग को बोला है कि कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम लोग पहले अकाउंट का नाम लिख लेते हैं जो भी अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। एक तो बोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, क्योंकि हम लोग को पता है ज्वाइंट वेंचर तो इस बिजनेस का नाम है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर अगर हम लोग करेंगे अकाउंट बनाएंगे तो वो एक नॉमिनल अकाउंट होगा, इसमें हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और स्मिथ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन, अच्छा जॉन के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर और स्मिथ अकाउंट, अच्छा जॉन अपने बुक्स में ज्वाइंट वेंचर और स्मिथ अकाउंट बनाएगा और जॉन अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, बुक्स ऑफ जॉन, जॉइंट वेंचर अकाउंट,
स्मिथ अकाउंट और स्मिथ के बुक्स में जॉन अकाउंट अच्छा तो यहाँ पर जॉन के रिगार्डिंग हमें जॉइंट वेंचर में रिकॉर्ड करना है तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि जॉन सप्लाइड जॉन ने सप्लाई किया है 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच ठीक है तो जॉन अपने बुक्स में इसका क्या रिकॉर्डिंग करेगा जॉन ने खुद खर्चा किया है खुद गुड्स जो है वो ट्रांसफर किया है तो हम लोग कंसाइनमेंट की तरह लिखेंगे टू गुड्स सेंट जैसे हम लोग कंसाइनमेंट में लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो हम लोग लिख सकते हैं टू गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर क्यों लिख रहा है क्योंकि जॉन ही अपने बुक्स में खुद का जो एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो गुड्स भेजा गया है 400 बेल्स एट द रेट ऑफ 50 करके तो 400 इनटू 50 बोल रहे 500 तो ये हो जाएगा 20 और इधर 40 तो ये 200,000 हो जाएगा 200,000 ठीक है 200,000 रुपीज का इन्होंने गुड्स भेजा है एंड ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरेज एंड इंश्योरेंस पे किया है तो टू बैंक जैसे कंसाइनर पे करता है तो हम लोग टू बैंक लिखते हैं तो कैरेज और इंश्योरेंस कैरेज एंड इंश्योरेंस मिला के कितना 18,000 अच्छा उसके बाद स्मिथ ने सप्लाई किया है 500 बेल्स ऑफ सूटिंग एट 480 ईच ठीक है तो जैसे कंसाइनी अगर कुछ खर्चा कर देता है तो हम लोग उनका नाम से रिकॉर्ड करते हैं टू कंसाइनी कि उनको देना पड़ेगा उसी तरह से अगर दूसरे को वेंचरर ने कुछ किया है तो ऐसे हम लोग उनको क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे तो टू स्मिथ हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एंड सॉरी प्रोडक्ट भेजा था पहले सूटिंग 500 pieces at the rate of 480 each. So 500 into 480. 2,40,000. अच्छा उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज 22,000 तो एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज 22,000 क्योंकि स्मिथ ने किया है लेकिन ये किसका बुक्स चल रहा है ये चल रहा है जॉन का तो फिर जॉन स्मिथ को ड्यू करेगा टू स्मिथ बोल के क्यों देना पड़ेगा बोल के एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज जैसे यहां पर देखो यहां पर जब लिख रहा था ये लोग यहां पर भी तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा और ये भी प्रॉफिट लॉस ही निकलेगा लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि एम ने खर्चा किया एन ने खर्चा किया ये लोग अपना खर्चा और दूसरे कोवेंचरर का खर्चा दोनों को ही नाम से ही लिख के रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा ट्रीट हो रहा है यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर को जॉन ज्वाइंट वेंचर को खुद का बिजनेस मान रहा है इसीलिए अगर स्मिथ कोई खर्चा कर रहा है तो उसे क्रेडिटर की तरह ट्रीट कर रहा है कि मेरा बिजनेस है मुझे उनको बाद में देना पड़ेगा सेम ये ट्रीटमेंट एक्चुअली स्मिथ भी करेगा ठीक है इसलिए ओवरऑल जो है वो टैली हो जाता है फिर वो स्मिथ को कितना देना है उसका हिसाब लगाएगा जैसे हम लोग कंसाइनी का लगाते हैं अच्छा यहाँ पर देखो 22,000 ये खर्चा हो गया अब देखते हैं आगे क्या खर्चा दिया हुआ था जॉन ने पे किया 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ तो स्मिथ को एडवांस पे किया है तो एंट्री क्या होगा पैसा दिया है जॉन तो टू बैंक और स्मिथ को दिया है एडवांस तो ये कोई मतलब एक्सपेंसेस की तरह पेमेंट नहीं एडवांस मतलब जो बाद में एडजस्ट हो जाएगा अभी एडवांस के तौर पे किया जा रहा है तो स्मिथ से स्मिथ को डेटर मतलब ड्यू किया जाएगा स्मिथ अकाउंट डेबिट टू कैश एडवांस का पेमेंट जैसे हम लोग कंसाइनमेंट में करते हैं 50,000 अच्छा उसके बाद जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ सूटिंग एट 600 ईच फॉर कैश एंड ऑल्सो ऑल 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 650 ईच फॉर कैश तो जॉन ने सेल किया है तो जॉन क्या ही बुक्स बन रहा है अगर जॉन सेल करेगा तो वो बाय कैश लिखेगा बाय कैश सेल प्रोसीड्स
अब जितना सेल किया है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर 500 इंटू 600, 500 इंटू 600, 3 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 400 इंटू 650। तो ये 2,60,000 हो जाएगा, 2,60,000। ये था शर्टिंग, जो उल्टा लिखते हैं। ये था शूटिंग, ये था शर्टिंग। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है जॉन इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन ऑफ 2.5%। जॉन को कमीशन मिला 2.5% ऑन टोटल सेल्स प्लस एन अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस। ठीक है, तो जॉन को कमीशन मिला है तो ये क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो टू कमीशन, जैसे अपने बिजनेस में पैसा मिलने से हम लोग लिखते हैं टू कमीशन। कितना मिला है 2.5% एट द रेट ऑफ 2.5% और ऑन टोटल सेल्स, टोटल सेल्स पे। तो टोटल सेल्स कितना हो रहा है, ये दोनों को टोटल करो, 3 लाख और 2,60,000 कितना हो जाएगा 5,60,000। 5,60,000 पे 2.5%, 14,000। हाँ, कमीशन इतना हो गया। अच्छा, अलाउंस में मिला है क्योंकि उन्होंने बिजनेस लुक आफ्टर किया था, तो अलाउंस जो दिया गया है 2,000, तो 2 अलाउंस 2,000। और कुछ है नहीं, और तो कुछ नहीं। अब क्लेम सेटल करना है तो बस अब हम लोग अपना ये इसको बंद करेंगे। नॉमिनल अकाउंट है, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, लॉस होगा तो इधर आएगा, तो इधर ही ज्यादा है, 5 लाख है, 5,60,000। इधर भी 5,60,000, 5,60,000, और ये देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, 2 लाख, 2 लाख, 4,40,000, 4,40,000 प्लस 18,22,14 और 2,000, 4,96,000 माइनस 5,60,000, तो ये 64,000 आ रहा है। तो 64,000 का जो प्रॉफिट है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जॉन जब खुद का प्रॉफिट लेगा, खुद के बिजनेस का, वो तो 2PL बोल के लिखेगा, खुद के बिजनेस का प्रॉफिट। और जो शेयर स्मिथ को देना पड़ेगा उसके लिए स्मिथ को ड्यू किया जाएगा, तो टू स्मिथ अकाउंट। अच्छा, 64,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 रेशियो में, ये बता रखा था यहाँ पर, 5:3, तो 5/8 और 3/8, तो 64,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा 24,000। तो ये हो गया, हमें पता चल गया कि ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ है। अब हम लोग स्मिथ का अकाउंट क्लोज करेंगे जो जॉन के बुक्स में बन रहा है। तो यहाँ से जस्ट क्रॉस पोस्टिंग कर दो, यहाँ पर जॉइंट वेंचर टू स्मिथ, तो बाय जॉइंट वेंचर करके हम लोग लिख देंगे, क्रॉस पोस्टिंग बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। अच्छा, टू लैख 40 और एडवर्टाइजमेंट 22। एडवर्टाइजमेंट 22 और प्रॉफिट 24,000, प्रॉफिट, हाँ स्मिथ का प्रॉफिट 24, और इधर तो स्मिथ ने कुछ सेल किया नहीं है कि इधर रिकॉर्ड होगा। अच्छा, तो ये हम लोग को टोटल करना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो 2,40,000, 2,86,000। अच्छा, 2,36,000। अच्छा, 2,36,000, टू साइड है तो टू लिखेंगे, कैश या बैंक बैलेंस पेड, क्योंकि टू कैश हो रहा है तो पेड ही हो रहा है, स्मिथ अकाउंट डेबिट टू कैश,
तो पेड 2,86,000। अब स्मिथ भी अपने बुक्स में जॉन का अकाउंट बनाएगा, तो स्मिथ अपने बुक्स में जॉन का अकाउंट कैसे बनाएगा, ये देखो यहाँ से हम लोग क्रॉस पोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बनाया वो इन द बुक्स ऑफ जॉन बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर इन द बुक्स ऑफ स्मिथ बनाते तो वहां से हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाता। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस पोस्टिंग कर दिया, जैसे जॉन ने स्मिथ को क्रेडिटर और डेटर की तरह ट्रीट किया है, उसी तरह से स्मिथ भी जॉन को क्रेडिटर और डेटर की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ से देख के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे ये देखो। ये स्मिथ ने जॉन ने खर्चा किया है 2,00,000 रुपीज, तो फिर ये खर्चा जॉन कैसे ट्रीट करेगा, सॉरी स्मिथ कैसे ट्रीट करेगा, स्मिथ बोलेगा कि ये मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे जॉन ने अपने बुक्स में 2 स्मिथ लिखा है स्मिथ के खर्चे को, वैसे स्मिथ अपने बुक्स में जॉन के खर्चे को लिखेगा 2 जॉन बोल के, ये वाला 2 जॉन बोल के 2,00,000, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में लिखेगा 2 जॉन, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट वेंचर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर हो जाएगा। और ये किस चीज का खर्चा था, ये था गुड सेंट का था, तो यहाँ पर गुड सेंट तो हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर बोल के। यहाँ पर जो खर्चा है शर्टिंग का है, जो गुड्स भेजा गया था, और वो कितने का है, 2,00,000 का है, 2,00,000। सिमिलरली फिर से सोचो कि यहाँ पर जो खर्चा ये वाला जॉन ने किया है, जॉन अपने बुक्स में लिख रहा है मैंने खर्चा किया 2 बैंक, तो स्मिथ यही वाला खर्चा अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, 2 जॉन बोल के कि जॉन को देना पड़ेगा। तो बाई जॉइंट वेंचर हो जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर कैरेज एंड इंश्योरेंस 18,000, बाई जॉइंट वेंचर कैरेज एंड इंश्योरेंस, कैरेज एंड इंश्योरेंस 18,000। अच्छा और क्या खर्चा है देखते हैं। ये तो स्मिथ, स्मिथ थोड़ी ना अपने बुक्स में अपना खर्चा लिखेगा, स्मिथ अपना ये जो खर्चा, क्योंकि ये तो इन द बुक्स ऑफ स्मिथ हो रहा है, स्मिथ ये सब खर्चा जो जॉन ने रिकॉर्ड किया है वो अपने बुक्स में 2 बैंक बोल के रिकॉर्ड करेगा। अब ये देखो जो कमीशन मिला है, कमीशन, तो ये कमीशन को भी क्या स्मिथ अपने बुक्स में क्या लिखेगा, 2 स्मिथ हाइफन देके कमीशन की, सॉरी 2 जॉन हाइफन देके कमीशन लिखेगा स्मिथ अपने बुक्स में, तो कमीशन देना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई जॉइंट वेंचर कमीशन, ठीक है, बाई जॉइंट वेंचर कमीशन 14,000 आया था। फिर स्मिथ अपने बुक्स में यहाँ पर ये जो अलाउंस जो कि जॉन को मिला है उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, 2 जॉन अलाउंस बोल के 2,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर अलाउंस 2,000। और ये जो प्रॉफिट है जो कि जॉन के लिए अपने बिजनेस का प्रॉफिट है और स्मिथ को इतना उसे देना पड़ेगा, सेम उसी तरह से स्मिथ ये रिकॉर्ड करेगा कि ये मेरा प्रॉफिट है। स्मिथ अपने बुक्स में लिखेगा 2 PL 24,000 और 2 जॉन PL प्रॉफिट बोल के 40,000, तो हम लोग लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर 40,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाई जॉइंट वेंचर। मुझे एडवांस है वो भी आएगा, हाँ बोलो, एडवांस, हाँ एडवांस भी आएगा। अच्छा वो लिखा नहीं ना, अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट लिख लिया 40,000, हाँ एडवांस भी आएगा। एडवांस जब दिया गया था कौन दिया था, ये देख लेते हैं कौन दिया था, स्मिथ दिया था शायद, ये कहाँ पर लिखा हुआ था, कौन सा, ये रहा जॉन पेट, अच्छा जॉन ने दिया था, जॉन ने 50,000 एडवांस दिया था। तो फिर स्मिथ अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, स्मिथ बोलेगा कि ये देखो इसका जस्ट रिवर्स करेगा, वो बोलेगा मुझे पैसा मिला था तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन। अगर मुझे पैसा मिला है, स्मिथ क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन, तो ये तो जॉन अकाउंट है तो उसको लिखना पड़ेगा बाई कैश। जो डायरेक्टली मिला वो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और जो हमारा जॉइंट वेंचर के थ्रू से हो रहा है वो इस तरह से लिखेंगे। ये तो एडवांस जो है वो एक दूसरे में लेन देन हुआ है, और यहाँ पर जो है ये बिजनेस का एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 50,000 भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा और सेल,
सेल जो हुआ है ये वाला, तो ये जॉन अपने बुक्स में लिख रहा है बाय कैश, सेल कर दिया उसके पास डायरेक्टली पैसा आ गया, तो फिर स्मिथ इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा कि जॉन के पास ये बिजनेस करके जो भी सेल हुआ उसका इतना रुपीज उसके पास है, तो वो लिखेगा इसे बाय जॉन बोल के, ठीक है, तो बाय जॉन बोल के लिखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू जॉइंट वेंचर सेल प्रोसीड, टू जॉइंट वेंचर सेल प्रोसीड, फाइव लाख दोनों मिला के 5,60,000 बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड 2,36,000 बाय कैश बैलेंस पेड सेम ही आएगा 2,36,000 यहाँ पर जितना आया था ये 2,36,000 यहाँ पर भी आएगा, एक जन के अकाउंट में दिखाएगा पेबल, एक जन के अकाउंट में वही रिसीवेबल दिखाएगा, मतलब एक को रिसीवेबल होगा एक को पेबल होगा, क्योंकि एडजस्ट करने के बाद अब जिसने पहले से ज्यादा पैसा वैसा दे रखा है उसको रिसीवेबल हो जाएगा अपना सारा एडजस्ट करने के बाद, और जिसने जिसका कम है उसका पेबल हो जाएगा, तो इस तरह से होगा, तो ये कैश 2,36,000 कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन, ये इसका एंट्री होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था स्मिथ अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखो ये जॉन बोल रहे हैं मुझे स्मिथ को इतना देना है, स्मिथ बोल रहे हैं मुझे जॉन से इतना मिलेगा, इतना दे दिया है ये मिलेगा, बात एक ही बात, एक एक जन का पेबल है एक जन का रिसीवेबल है। अच्छा इसके आगे भी एक एग्जांपल था, यहाँ पर क्या बोला था देखो, ये भी मेमोरेंडम मेथड है, ठीक है, जो हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में ही सीखा। A B decided to work on a joint venture for sale of electronic motors on 21st of May 2016. A purchased 200 electronic motor at the rate of 175 each and dispatched 150 motor to B, incurring 1000 as freight and insurance charges. तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इन लोग को बेच, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बेचना है, उसका जॉइंट वेंचर किया इन्होंने, तो ए जो है को वेंचरर, उसने पहले 200 इलेक्ट्रॉनिक मोटर परचेस कर लिया 175 और डिस्पैच कर दिया 150 मोटर टू बी, और बी को भी भेज दिया है कि तुम भी बेचो, और खर्चा कितना लगा इसमें 1000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, 10 मोटर्स वेयर डैमेज्ड इन ट्रांजिट On 1/1/2017, 500 was received by A, 500 rupees A से मिला from the अच्छा A को मिला है किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, वो जो डैमेज हो गया था उसके बिहाफ में कितना 500, अच्छा एज ए क्लेम। On 15th March 2017, A sold 50 motors at the rate of 2 to 5 each. He received 15,000 from B on 1/4/2017. अच्छा उसके बाद ऑन 25th of May 2017 बी टुक डिलीवरी ऑफ मोटर एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, बी ने मोटर ले लिया है और कुछ ये एक्सपेंसेस किया है, ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, डैमेज, ट्रांजिट, गोडाउन, ठीक है, गोडाउन रेंट। बी सोल्ड द इलेक्ट्रॉनिक मोटर एज फॉलोज, और उन्होंने बी ने कैसे सेल किया, बी ने 1 तारीख को 10 डैमेज मोटर 170 में बेच दिया, 15 मार्च को बेचा है 40 मोटर 200 रुपए में, और 1 अप्रैल को बेचा है 20 मोटर 315 रुपए में, और 3 अप्रैल को बेचा है 80 मोटर्स 250 ईच, इस तरह से अलग अलग डेट पे सेल हुआ है। इट इज एग्रीड दैट दे आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द रेस्पेक्टिव सेल्स अफेक्टेड बाय देम, जो भी जिसने जितना सेल किया उसके ऊपर 10% कमीशन मिलेगा, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, और जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में जो है वो शेयर हो जाएगा। बी रेमिट्स टू ए द बैलेंस ऑफ मनी ड्यू ऑन 30th April 2017, मतलब बी को पेमेंट करना पड़ेगा ए को, ठीक है, कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, 30th April को ये पेमेंट करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने बोला है जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ बी, जब भी ऐसे विथ बी बोलेगा ना तभी मेमोरेंडम वाला, ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम अकाउंट ही एक ऐसा मेमोरेंडम मेथड ही एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ द अदर को वेंचर, ठीक है, वही तो स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो जब ऐसे बोलेगा तो इसका मतलब मेमोरेंडम, और ये देखो आगे भी बोल रखा है एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, तो हम लोग को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है और जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट विद बी इन द बुक्स ऑफ ए, तो ए के बुक्स में हमें दो अकाउंट बनाना है, एक मेमोरेंडम और एक जॉइंट वेंचर विद बी। तो ये एग्जाम्पल है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का, तो पहले हम लोग बना लेते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर।
मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में सब कोई खर्चा जो है अपने नाम से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो पार्टी है तो ए जो भी खर्चा करेगा वो टू ए बोल के लिखेगा, अगर कोई अर्निंग करेगा तो बाई ए बोल के लिखेगा, और बी के लिए भी वैसे ही लिखेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले खर्चा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ए ने परचेस किया है 200 इलेक्ट्रॉनिक मोटर, तो टू ए कॉस्ट ऑफ मोटर्स कितना परचेस किया है, 200 175 करके, तो 200 × 175। तो बिजनेस में पहला इन्वेस्टमेंट ए के तरफ से हुआ है 35,000 रुपीज का, ए ने ये खर्चा किया है। उसके बाद ए ने 150 मोटर उसमें से बी को सेंड किया है, ठीक है। तो ये तो एक्सपेंस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ये ट्रांसफर हुआ है कि इतना मोटर हम बी को भेज देते वो बेचेगा, ठीक है। तो ये और एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं हुआ, वो 35,000 वाला खर्चा ही है, लेकिन जब ट्रांसफर किया गया तब जो खर्चा है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे कि 1,000 फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस। तो फिर यहाँ पर होगा फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज का, ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 10 मोटर्स वेयर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में 10 मोटर का डैमेज हो गए हैं। अच्छा, ऑन 1/2/2017 500 वाज रिसीव्ड बाय ए फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, ए को पैसा मिला है तो बाय ए बोल के लिखेंगे, किससे मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम 500 ए को मिला है ये वाला। अच्छा, उसके बाद फुल सेटलमेंट, मतलब जो भी कार डैमेज हुआ था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर डैमेज हुआ था उसके फुल सेटलमेंट में मिला है। ऑन 15 मार्च 2017 ए ने बेच दिया 50 मोटर्स एट द रेट ऑफ 225, तो सेल प्रोसीड्स $11,250। अच्छा, उसके बाद ही रिसीव्ड 15,000 फ्रॉम बी, ठीक है, बी से 15,000 रुपीज मिला है ए को, ठीक है। ये तो जैसे एडवांस के तरह हो गया, ये इन दोनों में ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद बी ने डिलीवरी ले लिया जो मोटर कार उनको भेजा गया था, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस 125, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2B क्लियरिंग चार्ज, क्लियरिंग चार्जेस 125। अच्छा, रिपेयर 300, अच्छा रिपेयर्स के बाद गोडाउन रेंट 600, और बी ने बेच दिया है मोटर का लेकिन ऐसे पार्ट पार्ट करके, तो यहां पर लिखना पड़ेगा बाय बी सेल प्रोसीड्स। अच्छा, कितना कितना बेचा है, 10 मोटर कार एट द रेट ऑफ 170, 10 × 170, तो ये हो जाएगा 1700। अच्छा, उसके बाद फिर 40 मोटर कार एट द रेट ऑफ 200, फिर 40 मोटर कार बेच दिया गया एट द रेट ऑफ 200, तो 8,000। अच्छा, उसके बाद 20 at the rate of 315, ये कितना हो जाएगा 6,300, और 80 250 करके, 80 मोटर का 250 करके, तो कितना हो जाएगा 20,000। अब टोटल कितना हो रहा है, और तो कुछ नहीं है शायद, नहीं, 20,000 प्लस 6,300 प्लस 8,000 प्लस 1,700, तो ये हो जा रहा है 36,000, टोटल सेल्स हो जा रहा है 36,000। अच्छा,
अब इन लोगों को क्या मिलेगा, कमीशन 10% ऑन रेस्पेक्टिव सेल्स। अच्छा तो कमीशन मिलेगा, तो बी को मिलेगा कमीशन 10% करके, तो 36,000 बी का टोटल सेल है, तो 36,000 इंटू 10% ये हो जाएगा 3,600, और दोनों को ही मिलेगा, ए को भी फिर कमीशन मिलेगा, ए का सेल प्रोसीड्स है 11,250 इंटू 10% यानी 11,250 हो जाएगा। बस और तो कुछ नहीं था, इन लोगों ने यही खर्चा किया है, बोला है जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इधर है 36, 11,250 और 500, इधर आ रहा है 47,750। अच्छा 35,000 माइनस 1,000 माइनस 1,125, 125, 300, 600 और 3,600, 6,000 रुपीस। तो 2 नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर भी हम लोग लिख सकते हैं, 6,000। अच्छा ए और बी दो जन का खर्चा हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा, ए और बी का प्रॉफिट है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पर 4,000 हो जाएगा, 6,000 डिवाइडेड बाई 3, 2,000, 2,000 इंटू 2, 4,000, 2,000 इंटू 1, 2,000, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बन गया। अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है, एक तो बोला है जॉइंट वेंचर विद बी इन द बुक्स ऑफ ए एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। अच्छा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, अगर विथ बी अकाउंट हो रहा है तो किसके बुक्स में हो रहा है, ऑब्वियसली ए के बुक्स में, बुक्स ऑफ ए, ए ही अपने बुक्स में बोलेगा कि हम जॉइंट वेंचर किए हैं बी के साथ, ठीक है, तो जॉइंट वेंचर विथ बी। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है, यहाँ पर खुद जो खर्चा होगा उसको बैंक से रिप्रेजेंट करेंगे और जो अदर को वेंचरर करेगा उसको उस हिसाब से दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो अदर को वेंचरर का नहीं होता है, यहाँ पर अपना ही खर्चा को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर जैसे अगर ए के बुक्स में बना रहे तो ए अपना खर्चे को रिकॉर्ड करके दिखाएगा, तो ए ने क्या क्या खर्चा किया है, कॉस्ट ऑफ मोटर फ्रेट कमीशन, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, तो जो खरीद रहा है तो उसके लिए टू बैंक होगा परचेज, जो की कॉस्ट ऑफ मोटर बोल के ज्वाइंट वेंचर में दिख रहा है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होता है कि बिजनेस में किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, किसने कितना सेल किया है और बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है। अच्छा अब ये भी खरीदा गया 35,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये पे किया गया एक्सपेंस के लिए तो 1,000, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से टू बैंक एक्सपेंसेस या फिर फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1,000। अच्छा ये जो कमीशन मिला, ये कमीशन जो बिजनेस करके मिला, ये तो कोई ना तो खर्चा है ना तो कोई ये है, लेकिन इनकम है इसीलिए क्रेडिट साइड होता है, तो टू कमीशन बोल के लिखना पड़ेगा 1,125, और जो सेल हो गया उसका बाई बैंक हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम भी मिला था ए को, तो बाई बैंक इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम था 500, सेल प्रोसीड्स 11,250। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम था 500, अच्छा बाई बैंक सेल प्रोसीड्स 11,250। अच्छा और तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा कुछ एडवांस या ऐसा भी कुछ था, एक 15,000 ही रिसीव्ड 15,000 फ्रॉम बी ऑन 1/4/2017, तो बाई बैंक बी से मिला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट रिसीव्ड 15,000। अच्छा और बिजनेस करके प्रॉफिट भी अर्न किया है टू पीएल,
share of profit 4000. अब हम लोग देखेंगे किधर बैलेंस आ रहा है, किधर आना चाहिए. ये देखो वो क्वेश्चन में भी बता दिया है यहाँ पर. ये देखो बी रेमिट्स टू ए बैलेंस ऑफ मनी. बी रेमिट करेगा ए को, तो ऑब्वियसली बी मतलब ए के अकाउंट्स में बाई बैंक होना चाहिए. अगर मतलब कैलकुलेशन ओवरऑल ये आएगा कि ए को पैसा मिल रहा है तो ए के बुक्स में बाई बैंक होना चाहिए, ठीक है, जो रिसीव होगा. तो बैलेंस रिसीव बोल के इधर ही आना चाहिए. तो देखते हैं इधर आता है कि नहीं. 14,375. ये माइनस करने से ही पता चल जाएगा. इधर -500 -11,250 और -15,000. तो बैलेंस ये क्वेश्चन में बता भी दिया था कि बैलेंस मतलब इससे पता चल रहा है कि इधर बैलेंस नहीं आना चाहिए, एको पेमेंट मिलेगा तो इधर बैलेंस आएगा. तो 14,375. ओके, तो ये जॉइंट वेंचर वाला जो मेथड था वो कंप्लीट हुआ. देखो ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, वहां एक एग्जांपल भी था. अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कर सकते हैं, जो कि है कौन सा पॉइंट. देखो ये वाला कर लिया क्या. हाँ ये तो कर लिया. ये जॉइंट वेंचर बिजनेस ऑन कंसाइनमेंट प्रिंसिपल, ठीक है. मतलब कंसाइनमेंट में जैसा हम लोग सोचते हैं कि एजेंट को हम लोग क्या करेंगे, एजेंट को क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे. और जब हमारा कोई मतलब डेट ड्यू होगा, एजेंट से कुछ अगर मिलेगा तो उसे हम लोग डेटर की तरह ट्रीट करेंगे. एजेंट को कुछ पेमेंट करना है तो क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24. साहनी एंड शाहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स. तो इन लोग पहले जॉइंट वेंचर ही कर रहे थे. द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन देम. तो बिजनेस रिस्क जो है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस. साहनी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर बैग एंड पेड फ्रेट 8000 इंश्योरेंस 2000. अच्छा, उसके बाद साहू ने भेजा है 400 बैग्स एट 1000 पर बैग. ही पेड 2500 एज फ्रेट इंश्योरेंस 8000 सन्ड्री एक्सपेंस 500. साहनी पेड 50000 एज एडवांस टू साहू. तो इन लोगों ने अपने अपने तरफ से क्या खर्चा किया है और एक ने एडवांस भी दिया है दूसरे को वेंचरर को. वही चीज यहाँ पर बताया है कि अभी तक इन लोगों ने क्या क्या खर्चा किया. दे अपॉइंटेड संदीप, संदीप को एज ए एजेंट अपॉइंट किया है फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स, ठीक है. जॉइंट वेंचर साहनी और साहू का है, लेकिन इन्होंने और एक जन को यहाँ इन्वॉल्व करा है, लेकिन वो कौन है, वो कमीशन एजेंट की तरह किया है, ठीक है. संदीप को एज ए एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन. संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट 1200 पर बैग. ही डिडक्टेड 21,000 एज हिज एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स. ही रेमिटेड 6 lakh बाई चेक टू साहनी एंड द बैलेंस टू साहू by way of bills of exchange. The co-venturers settle their accounts, prepare joint venture account, Shahu account and Sandeep account in the books of Mr. Sahani. तो co-venturer कौन है? Co-venturer है Sahani and Shahu. लेकिन हम लोग को prepare करने बोल रहा है कि Mr. Sahani के books में, मतलब एक co-venturer के books में joint venture account Shahu, यानी दूसरे co-venturer का account Sandeep, यानी जो as a agent join किया था, उन सब का account हम लोग को यहाँ पर दिखाना है. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहनी. इन द बुक्स ऑफ साहनी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट. एक तो हम लोग को बोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने के लिए. नेक्स्ट बोला है को वेंचरर जो है यानी साहू अकाउंट जो कि को वेंचरर है. यहाँ पर लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा.
और जो एजेंट है संदीप, इसका मतलब हमें करना क्या है कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जब बन रहा है इन द बुक्स ऑफ साहनी, तो इसका मतलब साहनी ये अपने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे कि मतलब नॉमिनल अकाउंट की तरह, कि बिजनेस में कितना खर्चा हुआ और कितना इन दोनों को देना है, इन दोनों को क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे, और इन दोनों से कुछ मिलेगा तो डेटर की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे वो को वेंचर हो चाहे वो एजेंट हो। अच्छा तो देखो पहले क्या खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर साहनी एंड साहू एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन। द बिजनेस रिस्क, अच्छा साहनी सप्लाइड 400 बैग्स एट द रेट ऑफ 800 पर बैग। तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते हैं वैसे लिखेंगे टू फूड ग्रेन्स सेल कितना, 400 बैग एट द रेट ऑफ 800, 400 इंटू 800। ₹32,00,000। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या खर्चा हुआ है। एंड फ्रेट 8,000 एंड इंश्योरेंस 2,000। तो खुद का बिजनेस मान रहे हैं तो टू बैंक फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट 8,000, इंश्योरेंस 2,000। अच्छा फ्रेट 8,000 और इंश्योरेंस अलग दिया हुआ है, इंश्योरेंस 2,000। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ही पेड 2,500। अच्छा साहू सेंट 400 बैग। अच्छा पहले साहू को सेंड कर दिया 400 बैग बेचने के लिए 1,000 रुपीज करके, और ही पेड यानी साहू जो है उन्होंने खर्चा किया है 2,500 एज फ्रेट, इंश्योरेंस 8,000, सन्ड्री एक्सपेंस 500। तो टू साहू, साहू को ये सब पेमेंट करना पड़ेगा, ये ड्यू करना पड़ेगा फ्रेट, इंश्योरेंस फ्रेट है 2,500, इंश्योरेंस 8,000, सन्ड्री एक्सपेंस 500, सन्ड्री एक्सपेंस 500, सन्ड्री एक्सपेंस 500। अच्छा साहनी पेड 50,000 एज एडवांस टू शाहू। तो साहनी ने साहू को पेमेंट किया है, ठीक है, तो ये साहू के बुक्स में एंट्री हो जाएगा टू कैश बोल के, साहू को पेमेंट किया है तो टू बैंक या टू कैश बोल के, टू कैश एडवांस 50,000। अच्छा उसके बाद संदीप को इन्होंने अपॉइंट किया एज ए एजेंट सेल करने के लिए। संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट द रेट ऑफ कितना बोला है, 1,200 पर बैग, ऑल बैग्स मतलब 800, जितने भी टोटल बैग्स थे 800 थे कि 400, 800 बैग्स थे। तो बाई ये पेमेंट किससे मिलेगा, खुद बेच देते तो बाई कैश लिखते, क्योंकि संदीप से ये पैसा मिलेगा तो संदीप को डेबिट करेंगे। सेल्स प्रोसीड्स 800 बैग्स, 1,200 ईच, 9,60,000 इतने में बेच दिया। अच्छा ही डिडक्टेड 21,000 एज इज एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, ठीक है। तो जो संदीप है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पैसा वापस तो किया है, मतलब ये जो सेल करके आ रहा है ये पूरा पैसा 9,60,000 इन्होंने पूरा नहीं वापस किया, क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैंने जो भी खर्चा किया है वो हम निकाल लेंगे, 21,000 हम डिडक्ट कर लेंगे। इसका मतलब 21,000 देना पड़ेगा किसको, संदीप को, तो यहाँ पर संदीप बोल के ड्यू करना पड़ेगा, टू संदीप एक्सपेंस 21,000, संदीप को 21,000 एक्सपेंस का देना पड़ेगा, और कमीशन भी देना पड़ेगा 5% ऑन सेल्स। तो ये
सेल पे 5% यानी 9,60,000 पे 5%। यहाँ पर ये वाला बना लिया, ठीक है। यहाँ पर इसको आगे कर लेते, टू संदीप कमीशन, कमीशन कितना है, कमीशन बोला है 5% ऑन सेल्स, तो 5% और सेल्स कितना हुआ है, ये 9,60,000। ये कमीशन होगा, और कोई खर्चा है, और तो कुछ नहीं है। ये देखो, ही रेमिटेड 6,00,000 बाई चेक टू साहनी एंड द बैलेंस साहू बाई वे ऑफ बिल्स। मतलब जब साहनी और साहू को पेमेंट करना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, मतलब ये संदीप ने क्या किया, 6,00,000 चेक में साहनी को दे दिया और बैलेंस जो भी बच रहा था वो साहू को बिल्स ड्रॉ करके दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से, तो वो तो उनके बुक्स में होगा, यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें देख लेते हैं कि जॉइंट वेंचर में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये है 9,60,000। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा, 3,20,000 प्लस यहाँ पर 10 और ये 12,500, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20,500 और 20,500 और 500, मतलब 21,000 और 21,000, 21 और 21 कितना हो जाएगा, 42,000 और 48,000, 90,000। अच्छा, यहाँ पर 90,000 माइनस होगा, 9,60,000 माइनस 90,000 तो हो रहा है 8,70,000, 8,70,000 हो रहा है। मेरा तो 5,50,000 है आज। नहीं, मैंने कुछ लिखा नहीं होगा। फिर फूड ग्रेन्स साहू ने जो बेचा था, ये साहनी सप्लाइड 400 बैग्स एट 800 पर पैक एंड पेड फ्रेट इंश्योरेंस। अच्छा, ये साहू सेंट 400 बैग्स एट 1,000 पर बैग। अच्छा, ये वाला। अच्छा, साहू ने जब उनको भेजा है तो उनको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, वो तो नहीं लिखा मैंने। अच्छा, ये कहाँ पर लिखे, फूड ग्रेन्स आना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं फूड ग्रेन्स। जैसे इन्होंने भेजा है वो अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस का एक्सपेंस, और साहू ने जो भेजा है उसके लिए साहू को क्रेडिट करना पड़ेगा, बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4,00,000। अच्छा, तो 4,70,000 आ रहा है बैलेंस। हाँ, पहले मेरा 5,50,000 था, 4,00,000 माइनस कर दिए तो 1,50,000 आ गया। अच्छा, 1,50,000 आ जा रहा है, तो ये जो लिखा है मैंने। हाँ मैम। अच्छा, तो 1,50,000, तो यहाँ पर हो गया 9,60,000। अब जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट है 2, पीएल बोल के अपना प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर दिखाएंगे 3/5 होगा, ये देखो इनका जो रेशियो है 3/5, और बाकी देना पड़ेगा अपने को वेंचरर को जो है साहू। संदीप तो एजेंट है तो उनको थोड़ी ना ये मिलेगा, उनको तो कमीशन मिलेगा, वो तो लिख ही दिया हम लोगों ने 2/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 5 करने से 13 into 2 और यहाँ पर हो जाएगा 60,000। अच्छा, अब बाकी तो अकाउंट जो था वो मिटा दिया मैंने, यहाँ पर फिर से बना लेते हैं शाहू अकाउंट और संदीप अकाउंट। तो शाहू अकाउंट हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे जस्ट यहाँ पर बाई जॉइंट वेंचर। बाई जॉइंट वेंचर फूड ग्रेन्स अभी जो लिखा था 4,00,000 बाई जॉइंट वेंचर, और क्या है फ्रेट इंश्योरेंस सन्ड्री एक्सपेंस लिख लेते फिर अमाउंट लिखेंगे, फ्रेट इंश्योरेंस सन्ड्री एक्सपेंस, फ्रेट इंश्योरेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, फ्रेट कितना था यहाँ पर, 2,500, 8,000,
सन्ड्री एक्सपेंस 500। और क्या है शाहू बोल के? नहीं और तो कुछ नहीं दिख रहा, ये प्रॉफिट है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट 60,000। अच्छा और साहू से जो एडवांस था वो मैंने यहाँ पर अकाउंट को हटा दिया था ना, यहाँ पर लिख रखा था मैंने टू बैंक या फिर कैश लिखा था शायद, टू बैंक या कैश कुछ भी लिख लो, 50,000 एडवांस। ठीक है अच्छा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर संदीप का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पीछे ही बना लेते हैं संदीप। तो संदीप में हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंस और बाई जॉइंट वेंचर कमीशन, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंस 21,000 था और बाई जॉइंट वेंचर कमीशन 48,000 है। अच्छा सेल हुआ है तो टू जॉइंट वेंचर सेल्स, सेल प्रोसीड्स 9,60,000। अच्छा अब संदीप ने क्या कहा, संदीप ने कहा कि हाँ मैंने आप लोगों का 9,60,000 रुपीस का जो है प्रोडक्ट बेच दिया है, जो भी फूड ग्रेन्स वगैरह था वो बेच दिया, लेकिन मैंने खुद से 21,000 खर्चा किया आपके इस बिजनेस के लिए। ठीक है तो हम 20,000 अपना काट लेंगे तो बचा कितना 9,39,000 और मेरा कमीशन है 48,000 तो बच रहा है कितना 8,91,000। लेकिन ये पेमेंट हम कैसे करेंगे, ये देखो संदीप ने कैसे किया है, संदीप ने चेक में दे दिया है 6,00,000 किसको, ये दे दिया है ही रेमिटेड 6,00,000 चेक टू साहनी, साहनी को चेक में दिया है। तो चेक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई, बाई साइड में आएगा ना बैंक। ठीक है ये चेक में चला जाएगा, मतलब एक्चुअली ये किसके बुक्स में एंट्री हो रहा है, ये तो एंट्री हो रहा है इनके बुक्स में ना, ये क्या नाम है इनका साहनी। ठीक है साहनी अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है तो साहनी बोलेंगे कि मुझे संदीप से चेक मिल गया तो बाई बैंक। ठीक है चेक कितने का मिला 6,00,000 और ये बाकी कितना बच रहा है फिर 8,91,000 से 6,00,000 माइनस करके देखो 2,91,000। ये 2,90,000 हम यहाँ पर 2 कर देते, ठीक है 2,91,000 ये किसको पे करेगा, ये साहू को। ठीक है ये देखो यहाँ पर बोला है ना 6,00,000 बाई चेक टू सानी एंड द बैलेंस टू साहू, क्योंकि वही तो को वेंचरर है, बाकी साहू को मिलेगा एज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बाई साहू बिल्स ऑफ एक्सचेंज 9,00,000 यहाँ पर 60,000 ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर साहू में क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए, फिर साहू में क्रॉस पोस्टिंग हो जाना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टू संदीप बोल के। बिल्स 2,91,000 बस ये भी क्लोज हो जाए, 4,00,000 2,50,000 और 8,000 सॉरी 2,500 और 8,560,000 4,71,000 माइनस 2,91,000 और 50,000 1,30,000 टू बैंक पेमेंट करना पड़ेगा फाइनल रेमिटेंस या फिर फाइनल बैलेंस भी बोल सकते हैं 4,71,000। इस तरह से होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या है, कंसाइनर कन्वर्जन ऑफ कंसाइनमेंट टू जॉइंट वेंचर। ठीक है अगर पहले जॉइंट वेंचर हो रहा था बाद में अगर इसको कंसाइनमेंट में ट्रांसफर करना है, सॉरी कंसाइनमेंट हो रहा था फिर जॉइंट वेंचर कन्वर्जन, अच्छा उल्टा दी कन्वर्जन ऑफ कंसाइनमेंट टू जॉइंट वेंचर तो क्या होगा, वही चीज यहाँ पर
बताया है, ये देखो, ए वेरिएशन कुड बी दैट एन ऑनगोइंग कंसाइनमेंट अरेंजमेंट मे गेट कन्वर्टेड इनटू अ जॉइंट वेंचर. अगर हम लोग चाहें तो अपना जो कंसाइनमेंट का जो एग्रीमेंट है उसको जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, इन सच केस ए नॉर्मल अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस इज डन टिल द कन्वर्जन. जब तक कन्वर्जन नहीं हो रहा है उसके पहले तो पूरा ट्रांजेक्शन एज ए कंसाइनमेंट मोड में हो रहा था, तो कन्वर्जन के पहले तक एक कंसाइनमेंट में जो भी कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन जिस तरह से होता है वैसा रिकॉर्डिंग होगा. उसके बाद अपॉन द कन्वर्जन, जैसे कन्वर्जन हो जाएगा, द बैलेंस स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर टू द जॉइंट वेंचर. कंसाइनमेंट जहां तक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया वहां तक अगर हम लोग का कोई क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, जो हम लोग लिखते हैं बाय गुड्स बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी, अगर कंसाइनी के पास कोई बैलेंस रहता है, वो बैलेंस जब हम लोग इसको ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर करेंगे तो ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर कर देंगे एज ए ओपनिंग बैलेंस के तरह. ठीक है, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल फॉलोड फॉर ज्वाइंट वेंचर. उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट वेंचर का प्रिंसिपल फॉलो करना है. तो यहाँ पर देखते हैं कि कब कन्वर्जन हुआ है. क्या बोला है, देखो, दागा ऑफ कोलकाता सेंट टू लोधा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 on consignment at a commission of 5% on gross sales. तो यहाँ पर ये दागा जो है वो consigner हो गया, consigner, और जो लोधा ऑफ कानपुर है वो कंसाइनी हो जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों में कंसाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था. द पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर अमाउंटेड टू 4,000, यानी दागा ने किया है. द कंसाइनी पेड फ्रेट एंड कैरेज 1,000 एट कानपुर, 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड फॉर 48,000. देन द कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंसाइनर अलोंग विद द अकाउंट सेल्स, जो कि अकाउंट सेल्स कंसाइनी बनाता है और कंसाइनर को भेजता है. बट ही डिजायर्ड टू रिटर्न द goods still lying unsold with him as he was not agreeable to continue the agreement of consignment. यहां तक consignment ही चल रहा था, अब आगे नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो कंसाइनी वो बोल रहा है आप अपना प्रोडक्ट जो बचा हुआ गुड्स है जो हम नहीं बेच पाए वो भी लेके चले जाइए और मुझे मेरा कमीशन दे दीजिए, क्योंकि मुझे आगे कंसाइनमेंट वाले एग्रीमेंट में नहीं रहना. ही वॉज देन परस्यूडेड टू कंटिन्यू ऑन ज्वाइंट वेंचर. उसके बाद उन्होंने बोला हम ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, बेसिस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3/5 और 2/5. बोल रहे हैं कि कंसाइनमेंट नहीं चलेगा, लेकिन अगर ज्वाइंट वेंचर में जाना चाहते हैं तो चलेगा 3/5 2/5 वाले रेशियो में. ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को पूरा बनाना है. जितने दिन ये कंसाइनमेंट बिजनेस चल रहा था, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट. यहाँ पर बोला नहीं कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट बनाने के लिए. ठीक है, इसीलिए जब ऐसा बिजनेस कन्वर्जन हो जाता है कंसाइनमेंट टू ज्वाइंट वेंचर, जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग को ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा जब तक ये बिजनेस एज ए ज्वाइंट वेंचर काम हो रहा था यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 25, तो पहले हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट. और ये किसके बुक्स में बनेगा, जो कंसाइनर है उसके बुक्स में. कंसाइनर कौन है, दागा, बुक्स ऑफ दागा. तो कंसाइनर क्या बोलेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 40,000. अच्छा, खुद कुछ खर्चा करने से टू कैश, खुद कुछ खर्चा करने से टू कैश या बैंक, कितना खर्चा किया है यहाँ पर देख लेते. पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग 4,000, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग 4,000. अच्छा, उसके बाद कंसाइनी ने पे किया है फ्रेट और कैरेज 1,000, तो टू लोधा, फ्रेट और कैरेज 1,000. 3/4 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड फॉर 48,000, तो बाय लोधा सेल 48,000 रुपीज में सेल हो गया. कितना सेल हुआ है, 3/4. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाएगा, अगर 3/4 मेरा बिक गया है तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कंसाइनी कितना होगा. टोटल स्टॉक में अगर 3/4 बिक गया है तो बाकी कितना बचा है,
थ्री फोर्थ में, अगर थ्री फोर्थ टोटल वन होगा ना तो थ्री फोर्थ माइनस करने से ही तो पता चलेगा कि वन फोर्थ होगा ना, थ्री फोर्थ अगर सेल हो गया है तो जो स्टॉक बचा हुआ है वो वन फोर्थ होगा, या फिर इसको अगर 75% मान लेते हो थ्री फोर्थ को, 75% ही तो होता है ना 3/4 × 100, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, माइनस 100 करके देख लो 25%, दैट इज वन फोर्थ, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना क्लोजिंग स्टॉक में रह जा रहा है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, परसेंटेज या फिर उसका पार्ट तो हम लोगों ने निकाल लिया लेकिन वैल्यूएशन भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि कमीशन भी दिया गया है, कमीशन कितना दिया गया है 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो यहाँ पर लिखेंगे कमीशन 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो 48,000 पे 5% कितना होता है 2,400, ये कमीशन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस नहीं रहेगा आगे, ये जॉइंट वेंचर में चेंज हो जा रहा है, तो हम लोगों ने थ्योरी में भी यहाँ देखा हमें करना क्या है, जो भी स्टॉक बचा हुआ रहेगा वो ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर करना है, तो हम लोग लिखेंगे बाई ज्वाइंट वेंचर विद लोधा, ठीक है, या फिर लिखना पड़ता बाई क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी लोधा, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा ज्वाइंट वेंचर विद लोधा, ठीक है, लोधा अकाउंट पे ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टॉक ट्रांसफर्ड ऑन कन्वर्जन टू जॉइंट वेंचर। अब जो कंसाइनमेंट में सीखा था उस हिसाब से हम लोग को वैल्यूएशन करना पड़ेगा स्टॉक का, कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पर हम वर्किंग में दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाई कंसाइनर, पहले ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाई, फिर दागा कंसाइनर का नाम है, कितना है 40,000, फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई, क्या होता है कंसाइनर, तो इनकर्ड बाई दागा, तो वो कितना है ये 4,000, तो यहाँ पर कितना हो गया 44,000। फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अगर कोई हमारा लॉस हो गया है या फिर गुड्स स्टील लाइंग इन ट्रांजिट है तो वो हम लोग लेस करते हैं, लेस नहीं होगा तो यही गुड्स जो है वो कंसाइनी के सिटी में जाके पहुंच गया, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय लोधा, लोधा को जो गुड्स रिसीव हुआ वो इतना था, लेकिन उन्होंने भी कुछ खर्चा किया, यहाँ पर नॉन रिकरिंग होगा यानी फ्रेट एंड कैरेज एक ही तो खर्चा है, ये नॉन रिकरिंग ही है 1,000, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय लोधा, तो कितना हो जाएगा 45,000, ये हो गया 45,000 नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय लोधा। अब इसमें से सेल हो गया है कितना 4/5, तो सेल हो गया है 450 बोला था, देख लेते हैं एक बार, सॉरी 3/4 सेल हो गया है 3/4, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो प्रोडक्ट 48,000 वो उसका सेलिंग वैल्यू है, लेकिन जो सेल हो गया उसका कॉस्ट कितना है 45,000 टोटल कॉस्ट है, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 33,750, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्चुअली इसको क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल सकते, ये स्टॉक विद जॉइंट वेंचर हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वर्किंग हो गया, माइनस करके देखना 11,250, तो ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा 11,250, ये कंसाइनमेंट में जैसे हम लोग करते थे। अच्छा, अब इसका टोटल 58,259,250, यहाँ पर बैलेंस करने से हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना है, तो माइनस 40,000 माइनस ये 4,1,5,6,7,7,400, 11,850 हो गया जब तक ये जॉइंट वेंचर था। अच्छा, जॉइंट वेंचर के बाद ये सॉरी जब तक ये कंसाइनमेंट था, अब जॉइंट वेंचर बनेगा, तो जॉइंट वेंचर विद लोधा, पहले हम लोग यहाँ पर, अच्छा पहले कंसाइनी अकाउंट तो बना लेते हैं, लोधा अकाउंट, क्योंकि जब तक कंसाइनमेंट था तब तक कंसाइनी था लोधा हमारा, तो यहाँ पर पहले कंसाइनी अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है, कंसाइनी अकाउंट, तो यहाँ पर जस्ट क्रॉस पोस्टिंग होगा, जो सेल हुआ है तो टू कंसाइनमेंट
48,000 का सेल हुआ है, लोधा ने कमीशन लिया है और खर्चा भी किया है टू कंसाइनमेंट। यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम लोग ऐसे सेल, और इसको लिख सकते हैं एक्सपेंस और कमीशन। अच्छा, एक्सपेंस है 1000 और कमीशन है 2400। बस ये तो 2400। अच्छा, तो इनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, लोधा को रिम्बर्स करना पड़ेगा। तो 48,000 इनके पास है, तो ये अपना 1000 रुपए और 2400 रुपए काट के बाकी 44,600 रुपीज मिल जाएगा दागा को, ठीक है। तो इसीलिए दागा के बुक्स में एंट्री आ रहा है बाई कैश या फिर बैंक बोल के, फाइनल रेमिटेंस। यहाँ पर कंसाइनमेंट खत्म। अब अगर आगे करना है तो लोधा का प्रपोजल है इसको ज्वाइंट वेंचर बनाओ, तो ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर बनेगा। तो फिर दागा के बुक्स में एंट्री हो रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर विथ क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा। ये दागा के बुक्स में हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा। तो दागा के बुक्स में ऑलरेडी ये लिखा हुआ ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू कंसाइनमेंट 11,250, टू कंसाइनमेंट 11,250। पहले 11,250 का स्टॉक जो था, अब इनके लोधा के पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो अब कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा ज्वाइंट वेंचर स्टॉक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या क्या दिया है वो देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, ही वाज परस्यूटेड टू कंटिन्यू ऑन ज्वाइंट वेंचर बेसिस। अच्छा, प्रॉफिट ये होगा, दागा ने सप्लाई किया है 20,000 का गुड्स और लोधा सोल्ड आउट ऑल द गुड्स इन हैंड्स फॉर 50,000 ग्रॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट, क्योंकि ये तो इन द बुक्स ऑफ दागा ही हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या खर्चा किया है, दागा ने 2000, तो टू बैंक 2000 रुपीज का खर्चा किया है। ये स्टॉक पहले से दिया था जब वो कंसाइनमेंट था बिजनेस, और उसके बाद 20,000 का स्टॉक भेज दिया, खुद से 2000 रुपए का एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में देखना पड़ेगा, तो इसके लिए और भी दो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बनना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, इसे हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो जो दागा ने खर्चा किया है टू दागा, एक गुड्स दो तरह का है, एक कंसाइनमेंट वाला 11,250 और उसके बाद भी इन्होंने गुड्स सप्लाई किया है, ठीक है, टू दागा गुड्स सप्लाई किया है 20,000, ये दिख रहा है मुझे 20,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक्सपेंस किया है, तो एक्सपेंस ये रहा 2000, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर के बाद लोधा ने क्या क्या खर्चा किया है, लोधा ने एक्सपेंस किया है 1700, तो टू लोधा एक्सपेंस 1700, और सेल कर दिया है सारा गुड्स को 50,000 ग्रॉस में, तो बाय लोधा सेल 50,000। अब हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 50,000 का टोटल सेल हुआ है आफ्टर कन्वर्जन इनटू जॉइंट वेंचर, और खर्चा माइनस कर लेते हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15,050, तो यहाँ पर हो गया 50,000। अब दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट जॉइंट वेंचर में कितना है, ये देखो 3/5 और 2/5, तो कितना होगा दागा का टू प्रॉफिट, यहाँ पर लिख देते दागा और लोधा। अच्छा, 3/5 और 2/5, तो डिवाइडेड बाय 5, 3010 × 3, तो 9030 दागा का आ रहा है 9030, और बाकी कितना आ जाएगा माइनस कर लेते हैं 15050, तो ये हो जाएगा 6020, तो ये हो गया प्रॉफिट दागा और लोधा का, ठीक है। तो दागा के बुक्स में हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट को, यहाँ पर
टू पी एल 9030 बस ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 11250 का स्टॉक भेजा था, 20,000 का और भी स्टॉक भेजा, 2,000 का खर्चा किया, 9030 का प्रॉफिट, तो टोटल हो गया 42,280। ये बैलेंस इनको मिल जाना चाहिए, तो बाय बैलेंस सीडी 42,280। और यहाँ पर अब लोधा के बुक्स में अकाउंट बनेगा, बुक्स ऑफ लोधा। तो लोधा अपने बुक्स में क्या अकाउंट बनाएंगे, दागा। अच्छा पहले दागा एज ए कंसाइनर बना लेते, वो नहीं बनाया था हम लोगों ने, दागा एज ए कंसाइनर बना लेते हैं, जब दागा इनके कंसाइनर थे। ठीक है, तो दागा जब इनके कंसाइनर थे तो दागा के लिए इन्होंने कितना सेल किया था, 48,000 का सेल किया था और खर्चा ये दो किया था 1,000 और कमीशन का 2,400 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैंक, इनके पास पैसा आया था सेल करके, तो इन्होंने एंट्री किया होगा बैंक, लेकिन खुद का सेल नहीं है कि टू सेल करेंगे, तो टू दागा होना चाहिए था, तो बाई बैंक, बैंक टू सेल्स, मतलब कंसाइनी अपने बुक्स में कंसाइनर का कैसे एंट्री करेगा। और जो खर्चा किया है टू कैश एक्सपेंस 1,000, ये पैसा वो ले लेंगे, टू कैश कमीशन 2,400, बाकी फाइनल रेमिटेंस यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था ये देखो यही वाला अमाउंट आ जाना चाहिए 4 लाख, सॉरी ये वाला क्यों, ये 4 लाख थोड़ी ना होगा, ये शायद मैंने गलत लिखा है, 44,600 होगा, यही वाला अमाउंट तो होना चाहिए 44,600 होना चाहिए, ये वाला गलत लिखा है मैंने, 48,000 है ना, तो 44,600। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इनको पे करना पड़ेगा, वहां लिखा था दागा को मिल जाएगा, और यहाँ पर लोधा को लिखना पड़ेगा कि मुझे ये पेमेंट कर देना पड़ेगा, तो बाई बैंक सॉरी टू बैंक रेमिटेंस 48,000 बस। और एक अकाउंट बनेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा कौन, लोधा। लोधा के बुक्स में एक कंसाइनर का अकाउंट बनेगा और एक बनेगा जॉइंट वेंचर विद दागा। तो मेमोरेंडम प्रोसेस है, तो ये अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगा, टू कैश इन्होंने जो भी खर्चा किया है एज ए जॉइंट को वेंचरर। ये देखो लोधा ने 1700 रुपए खर्चा किए हैं और प्रॉफिट लिया है 2 PL, तो लोधा का प्रॉफिट है ये वाला 6020। अच्छा और सेल किया था ये 50,000 का, बाय बैंक सेल 50,000 का, बाकी जो है वो बैलेंस आएगा इधर आ रहा है क्योंकि इधर ज्यादा है 50,000 माइनस 1700 माइनस 6020 42,280 ये आएगा इतना। अच्छा जिसमें देखो ये लेकिन रफ वर्क है, ये वर्किंग नोट में जाना चाहिए, ठीक है ये वर्किंग नोट 1 हो जाएगा। और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हम लोग को प्रिपेयर करने नहीं बोला था, इसीलिए हम लोग इसको वर्किंग नोट 2 दे देते हैं, ठीक है। तो मेन आंसर क्या हो जाएगा, मेन आंसर ये वाला होगा कि कंसाइनमेंट में कंसाइनर कौन सा दो अकाउंट बनाता है, एक कंसाइनमेंट और एक कंसाइनी, और कंसाइनी क्या अकाउंट बनाएगा, कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा। और जब जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर हो गया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा कौन, दोनों पार्टी, दोनों को वेंचर, तो जॉइंट वेंचर विद लोधा और जॉइंट वेंचर विद दागा। और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हमें प्रिपेयर करने नहीं बोला था, लेकिन नहीं प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। ये देखो अब नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेड, इसीलिए हर जगह मैंने बाय बैलेंस टू बैलेंस लिखा है, लेकिन आगे क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर हम लोगों ने बाय कैश टू कैश फाइनल रेमिटेंस पेड ऐसे लिखा है, लेकिन यहां पर क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है नो फाइनल सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ड्यू इज येट मेड, अभी तक पेमेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस अकाउंट जो है वो किया गया है, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो, बाकी किसी क्वेश्चन में तुम लोगों ने नहीं देखा होगा ऐसे बाई बैलेंस सीडी या फिर ये वाला टू बैलेंस सीडी,
मतलब जो ज्वाइंट वेंचर के बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर बाई बैलेंस टू बैलेंस बोल के लिखा हुआ है। तो ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है, ये तो वर्किंग नोट है, समझ में ही आता है। लेकिन ये वर्किंग नोट इसीलिए क्योंकि हमें मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर नहीं बनाने बोला, क्योंकि अकाउंट मेंशन कर दिया है कि क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो बस और एक ही क्वेश्चन बाकी है, 26, ये तुम लोग कर सकते हो। ये भी ऐसा ही है शायद, पहले कंसाइनमेंट था उसके बाद ज्वाइंट वेंचर हुआ, या फिर मुझे नहीं पता कैसा है, तुम लोग देख सकते हो। क्योंकि ओवरऑल जितने भी तरह का होता है वो तुम लोगों ने कर ही लिया है। तो ये हम होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग घर पे कर लेना।